रजत कौर, वेलकम टू HJ न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुरभि। और आज की सबसे बड़ी खबर जी हाँ आ रही है, हेल्थ टिप है ये। और ऐसे में आपको बता दें कि बात करेंगे नारियल पानी की। गर्मी का मौसम चल रहा है ये आप सब जानते हैं, और इस गर्मी के मौसम में अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो है ठंडी चीज़ें, लिक्विड चीज़ें और नारियल पानी। नारियल पानी भी हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको भी यकीनन अच्छा लगता होगा। लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि आपको नारियल पानी कैसा लगता है। साथ ही साथ अब हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, नारियल पानी के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो देखिए हर चीज़ के नुकसान होते ही होते हैं, तो नारियल पानी का भी कुछ नुकसान है। तो चलिए आज उसके लाभ और फ़ायदे, यानी फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। गर्मियों के मौसम में खुद को ठंडा तरोताज़ा रखने के लिए हम सब लिक्विड, ठंडी चीज़ें और नारियल पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे में हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम कौन सी चीज़ खा रहे हैं, उसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। तो जैसे कि अगर बात की जाए नारियल पानी की, तो ये विटामिन, कैल्शियम, फाइबर और मैग्नीशियम, खनिज तत्वों से भरपूर पानी होता है। इसमें सब कुछ होता है, ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हृदय रोगियों और मोटापे के शिकार लोगों के लिए वरदान साबित होता है। एक नारियल में 200 से 250 मिलीलीटर पानी पाया जाता है और आप इसे पी सकते हैं। लेकिन नारियल पानी से आप वज़न घटा सकते हैं, नारियल पानी से आप अपने दिल के रोगों को ठीक रख सकते हैं, शुगर पेशेंट को भी नारियल पानी फ़ायदेमंद करता है। लेकिन आपको बता दें कि नारियल पानी के कुछ नुकसान भी हैं, हालांकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत कंट्रोल में रखता है, और जिन्हें शुगर की मात्रा बहुत होती है उसका सीमित मात्रा में आपको थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। तो आपको बता दें कि इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो नारियल पानी का थोड़ा लिमिट में आप प्रयोग करें। लिमिट में प्रयोग करने के लिए क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं, क्योंकि इससे अगर आपको थकान रहती है तो आपको उससे ज़्यादा थकान हो सकती है, आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो अब एक और चीज़ अच्छा बता देते हैं कि गुर्दे के में अगर पथरी है, किसी गुर्दे में पथरी है तो भी नारियल पानी बहुत फ़ायदेमंद है। पथरी तरल पदार्थों से निकल जाती है ऐसा माना जाता है, और नारियल पानी से तो सबसे ज़्यादा। तो अगर पथरी है तो आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके पेट की पथरी को गलाने में बहुत अच्छे से मदद करती है। नारियल पानी के फेस पैक का प्रयोग करके आप स्किन को अच्छा रख सकते हैं, लेकिन शुगर के पेशेंट को कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए क्योंकि इंसुलिन को कम कर देता है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही अगर आपको थकान या कमज़ोरी रहती है तो भी आप ना पिए, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है और आप थोड़ा और कमज़ोर फील करेंगे। तो कैसी लगी ये खबर कमेंट करके ज़रूर बताएं, धन्यवाद। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।